हाँ जी हाँ अपने गाँव के हो और यार शराब पीने के लड़के अच्छा दोनों मतलब कोई तो बना के गई चैम्बर क्लोज पर फाइव लाइन आप ओपन रख सकते हैं एक साइड में और दूसरी साइड में आप दो लाइन ओपन रख सकते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि कितनी रखनी है, लेकिन आप चार से लेकर एक साइड में छः तक और एक साइड में दो रख सकते हैं। और नीचे से जो पाया ये आपका 18 इंच का पाया स्टार्ट हो रहा है, जिसकी लंबाई 6 रद्दे होने के बाद 7वें रद्दे पर क्लोज है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए, जैसे ही आप थोड़ी हाइट ऊपर जाएगी तो रद्दे 7 के बजाय आपके 5 हो जाएंगे, 5वां रद्दा आपका क्लोज करेगा। उसी तरीके से टॉप पर आइए, 5वां रद्दा क्लोज करेगा, फिर 5वां रद्दा क्लोज करेगा, फिर 5वां रद्दा क्लोज करेगा। ये चैम्बर सिस्टम की भराई का तरीका है। और जिगजैग भराई में सबसे मेन कॉन्सेप्ट आपका लोडिंग का ही है। देखिए मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ। देखिए जब चैम्बर हम क्लोज करते हैं तो आपकी 6 लाइन ओपन्स रहेंगी एक साइड में, और सेकंड साइड में आपकी 4 लाइन्स ओपन रहेंगे, 2 लाइन्स ओपन रहेंगे, जिससे कि आपकी एयर को क्रॉस किया दिया जा सके। और आप ये देख रहे हैं कि आपका जो पाया स्टार्ट है वो 18 इंच का पाया है, ये आप 27 इंच का भी कर सकते हैं। 18 इंच का पाया है जिसकी हाइट 6 रद्दा है, 7वें रद्दे पर ये क्लोज है। 7वें रद्दे पर क्लोज होने के बाद अगली बार जो नेक्स्ट रद्दा लगेगा वो आपका 5वें रद्दे पे क्लोज होगा। फिर सेम प्रोसीजर देख ही रहे हैं आपका, इसके बाद सेम प्रोसीजर आपका लिया गया, 2-4 चौथा रद्दा आपका क्लोज किया गया है, फिर चौथा रद्दा, यानी कि आपकी जो पोल की जो हाइट में जो सेक्शंस बनाए, पहला होगा आपका 7 इंच का, 7 रद्दे का, फिर उसके बाद 5 रद्दे का, फिर 4 रद्दे का, फिर 3 रद्दे का। इट्स अ प्रोसीजर ऑफ द जिगजैग फिटिंग इन द हाई ड्राफ्ट क्लिन एंड ऑल्सो इन द जिगजैग क्लिन। एक बार मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ इसकी भराई का तरीका। आप देख ही रहे हैं जिसमें जो पाए बनते हैं वो आपके 18 इंच के बनते हैं, यानी कि 2 ईंट से स्टार्ट होता है, जिसकी लंबाई 6 रद्दे रहती है, 7वें रद्दे पे क्लोज दिया जाता है। 7वें रद्दे पे क्लोज देने के बाद उसके ऊपर जो भी पाया लगेगा वो 4 रद्दों का रहेगा, 5वें रद्दे पे आपका क्लोज दिया जाएगा। फिर आपका 3 रद्दे देख ही रहे हैं आप, ये 3 रद्दे का दिया जाएगा, चौथे पे क्लोज दिया जाएगा, 3 रद्दे देंगे फिर चौथे पे क्लोज दिए, फिर ऊपर 2 रद्दे आपके खड़े दिए जाएंगे, फिर थर्ड आपका पैटर्न दिया जाएगा। यही इसका एक तरीका है। अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप इसको दोबारा सेम प्रोसेस लोडिंग प्रोसीजर ऑफ द जिग जैग। आप ये ऊपर देखिए इनकी मोरी कैप का सिस्टम जो लगाना है आपको, ये मोरी कैप सिस्टम है। एक चैम्बर में आपका 2 जगह मोरी दिया जाएगा और बीच में एक ओपन, एक चैम्बर में आपका 2 लाइन मोरी दिया जाएगा। आप देख ही रहे हैं, एक ये है एक चैम्बर का, एक मोरी ये है और दूसरा ये है, और ये एक दिया जाएगा आपका टेस्टिंग कैप जो आपका चेक करने के लिए दिया जाएगा। आप देख ही रहे हैं, ये देखिए एक से एक चैम्बर में ये ओपन, एक ये दो, बीच में आपका ये कैप दिया जाएगा जो आपका चेक करने के लिए होगा। और आगे सर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखिए ये आपका क्लोज है एक सेक्शन के अंदर, एक चैम्बर के अंदर, दूसरा ये क्लोज है, इसी तरीके से आपका ये क्लोज है, ये क्लोज है, और ये आपका चेक करने के लिए ओपन दिया गया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं,
हर एक रद्दे के बीच में गैप आपको देना होगा 4 इंच।